इंटेल कोर i5 9600 के वर्सेस एएमडी राइजन 5 3600 एक्स बेस्ट पीसी, विच वन इज बेस्ट एंड विच वन शुड यू बाय, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको इस दोनों का वर्सेस बताने वाले हैं, पीसी वर्सेस ये पीसी, दोनों में से कौन सा ठीक ठाक है, इसका जो फीचर्स आपको एकदम शॉर्ट में जल्दी से बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो यू आर वॉचिंग हम टेक्नो वाले बाबा, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, इसका डिटेल्स जल्दी जल्दी आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। दोनों ही जो सीपीयू है बड़ी है, सॉरी मैं स्टार्टिंग में पीसी बोल दिया था, दोनों जो सीपीयू है वो बहुत बढ़िया है। तो स्पेसिफिकेशंस जैसे कि देख पा रहे हो डिटेल्स, चलो आई कोर मतलब कोर i5 9600 के और राइजन 5 3600X दोनों का दिया हुआ है। तो कोर थ्रेड्स इसको बताते हैं, 6x6 है, कोर i5 9600 का 6x6 है और राइजन 5 का, कोर और राइजन में बात करेंगे हम शॉर्ट, इसका नाम बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पर 6x12 है, तो यहाँ पर राइजन जीत गया, देख पा रहे हो, और जीत गया मतलब इसमें ज्यादा है। और बेस क्लॉक इसमें 3.7 GHz कोर में और राइजन में है 3.8 GHz, यहाँ पर भी राइजन का ज्यादा है। और बूस्ट क्लॉक यहाँ पर आपको मिल जाता है कोर में 4.6 GHz और राइजन में मिल जाता है 4.4 GHz, यहाँ पर जो कोर में है ना बूस्ट क्लॉक वो ज्यादा है। तो 12/3 कैश मिलता है कोर में 9 MB और यहाँ पर राइजन में मिलता है 32 MB एंड TDP आपको मिलता है कोर में 95W एंड राइजन में मिलता है 95, दोनों में सेम है। प्रोसेस आपको मिलता है कोर में 14 नैनोमीटर प्लस, यहाँ पर राइजन में आपको मिलता है 7 नैनोमीटर। तो यहाँ पर राइजन का जो प्रोसेसर है वो 7 नैनोमीटर जो कि बढ़िया है, यहाँ पर 14 नैनोमीटर है कोर में। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो राइजन में हमको ज्यादा कुछ बेटर दिख रहा है, तो इसको और कुछ चीजें बात करते हैं, आपको स्क्रीन में दिखाते रहेंगे। यहाँ पर राइजन में एक और जो बढ़िया चीज आपको बताता हूँ कि एक मेजर एडवांटेज है, वन ऑफ द मेजर एडवांटेज है राइजन का, राइजन 5 3600X का, जो कि है SMT। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको राइजन भी मिल जाता है SMT जो कि बहुत बढ़िया है। टेस्ट बेंच आपको दिखाते हैं, CPU है AMD राइजन 5 3600X, मदरबोर्ड है ASRock Techi X570, CPU है Asus GeForce RTX 2080 Ti, RAM है Trident Z Royal 16 GB 3200MHz। तो यहाँ पर AMD Ryzen 5 3600X वर्सेस Intel Core i5 9600K बेंचमार्क। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा Shadow of the Tomb Raider लिखा हुआ है 1080p में, हाईएस्ट में है। यहाँ पर देख पा रहा हूँ सबसे हाईएस्ट किसका है, Ryzen 5 3600X का है, यहाँ पर देख पा रहा हूँ 117 और उसमें कोर में है 115। यहाँ पर द डिविजन 1080 अल्ट्रा में 1080p अल्ट्रा में, तो यहाँ पर फिर से कोर का 140 मतलब कम हो गया है और राइजन में है जो 148 का ज़्यादा है। यहाँ पर ड्यूज EX MD 1080p अल्ट्रा में, यहाँ पर स्कोर का 128, यहाँ पर राइजन का है 113। यहाँ पर 7 GB कंपेरिजन दिखाए तो MB/s, यहाँ पर स्कोर में आप देख पा रहे हो 30, यहाँ पर राइजन में देख पा रहे हो 42। 7 GB कंपेरिजन MB/s फिर से आप देख पा रहे हो 46 स्कोर में, यहाँ पर राइजन में है 740। यहाँ पर एशस एस्केलेशन सीपीयू टेस्ट में आप देख पा रहे हो स्कोर में है 37 और राइजन में है 42। और फ्रेंड्स इंडिगो बेंच यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कोर में 1.4 और राइजन में है 1.75। मोजिला क्रैकन लोअर इज अ बैटरी, प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो स्पेलिंग। मोजिला क्रैकन में आपको कोर में मिलता है 850 और राइजन में मिलता है 760। तो फ्रेंड्स ओवरऑल बात करें तो दोनों ही जो सीपीयू है वो बढ़िया है और टोटल देखा जाए तो यहाँ पर जो राइजन में आपको ज्यादा फीचर्स दिख जाते हैं जैसे कि SMT जो कि बहुत बढ़िया मेजर फीचर्स है, मेजर एडवांटेज है इस सीपीयू का। तो अगर आपको परचेस करना है तो ये बजट प्राइस में है, तो हम इसी तरह के वीडियो शॉर्ट वीडियो लाते रहते हैं जिसमें आपको अच्छे से डिटेल्स बताने की कोशिश करते हैं। वैसे ज्यादा डिटेल्स तो नहीं बताए इस वीडियो में, पर तब भी बताने की कोशिश की, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।